वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है तो आज हम बनाएंगे चॉकलेट। चॉकलेट बनाकर हम यदि अपने भाई को गिफ्ट करें तो एक अलग ही खुशी मिलती है। तो चलिए बिना समय गवाए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। 1 कप लेंगे हम कोको पाउडर, 1 कप ही हमें लेना है पाउडर शुगर। चॉकलेट में मिठास अच्छी आए। अब हम लेंगे मिल्क पाउडर, इससे चॉकलेट में टेक्सचर अच्छा आएगा। सभी को अच्छे से हम छान लेंगे, छानना बहुत जरूरी है जिससे ये आपस में मिल जाए। एक बार इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। गैस पे मैंने रखा है 1 बर्तन, उसमें मैंने ऐड किया है 1 गिलास पानी। अब इसके ऊपर मैं कांच का बाउल रख दूंगी। कांच का बाउल ऐसे रखना है कि ये पानी को टच ना हो। यदि आप चाहे तो दूसरा बर्तन भी रख सकते हैं। अब हम लेंगे 1 कप बटर। बटर हम इसमें डालेंगे। पानी बॉईल होने लग गया है तो अच्छी तरह से हम बटर को मेल्ट करेंगे। यदि आपके पास बटर नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं। एक बात का हमें ध्यान रखना है, जितना हम कोको पाउडर लेंगे उतना ही हमें बटर लेना है। इस रेशो का हमें खास ध्यान रखना है। ये टॉफी बहुत ही जल्दी बन जाती है। जरूर आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। बटर देखिए पूरा मेल्ट हो गया है। जो मिश्रण हमने छान के तैयार किया था वो इसमें हम ऐड करेंगे और अच्छे से हमें इसको मिक्स करना है। दो से तीन मिनट हमें इसको पकाना है। गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पर बंद किया। यहाँ पर ये सिलिकॉन मोल्ड लिया है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। आप चाहे तो ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहे तो वहां से ले सकते हैं। सिलिकॉन मोल्ड में चॉकलेट जो है आसानी से निकल जाती है और बहुत ही अच्छी बनती है। बैटर जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हमें इसमें भर देना है। इस तरह देखिए इसको भरना है। अब इन्हें एक बार हम अच्छे से टेप कर देते हैं ताकि अच्छी तरह से जो है सेट हो जाए। अब इन्हें हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देते हैं। 1 घंटा हो गया है, चॉकलेट को मैंने फ्रिज से बाहर निकाल दिया है। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये देखिए बड़ी आसानी से निकल जाता है। ये देखिए कितनी अच्छी जो है चॉकलेट हमारी बनकर तैयार हुई, आप देख सकते हैं। इस तरह सभी को अब हम निकाल लेते हैं। जिस शेप की हम डालेंगे उसी की हो जाएगी। ये देखिए कितना अच्छा इसका शेप आया, आप देख सकते हैं। सभी चॉकलेट को मैंने बाहर निकाल दिया है। कितनी अच्छी चॉकलेट बनी है, कितना अच्छा शेप आया है। इस तरह घर पर हम आसानी से इन्हें बना सकते हैं। चाहे रक्षाबंधन का फेस्टिवल हो या दिवाली का, हम इन्हें बना सकते हैं। देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है, कितना अच्छा शेप आया है। बच्चों की बर्थडे पार्टी हो तो आप जरूर बनाइए, बहुत उनको पसंद आएगी, जरूर वो आपकी तारीफ करेंगे। खाने में तो बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनी है। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। यदि आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप आइसक्रीम ट्रे में भी इन्हें जमा सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलें। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।